जेई मेन 2020 का 7 जनवरी का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन क्लोरामफेनिकॉल इज. क्लोरामफेनिकॉल एक ड्रग है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे है NO2, ठीक है ना, और यहाँ पर CHOH CH, ठीक है ना, CH2OH, और ये है, ये एमाइड से जुड़ा हुआ है, राइट, ये अमाइड से जुड़ा हुआ है, डाइक्लोरो, ये क्लोरामफेनिकॉल. कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन ऐसे कार्बन को बोलते हैं जो चार डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़ा हो. तो देखो, और वो sp3 हो, ठीक है ना. कायरल कार्बन क्या है? sp3 कार्बन अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, नहीं, इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन. तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि ये सारे कार्बन sp2 है. sp3 कार्बन ये है एक, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि नहीं देख लो. एक तो इधर की ओर बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन है, इधर की ओर एक ग्रुप है जो ये पूरा ग्रुप है ये वाला, ठीक है ना, एक OH लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है. तो ये हो गया कायरल, तो ये हो गया कायरल, तो हम इसको स्टार मार्क कर देते हैं. तो एक कायरल कार्बन तो हमारे पास है. इस कार्बन को चेक करें, इस पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2OH लगा हुआ है, और ये पूरा एमाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, और एक H इस पर भी लगा हुआ है, एक H इस पर भी लगा हुआ, तो ये भी कायरल हो गया भाई, ठीक है ना. तो दो कायरल कार्बन्स हो गए. ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि इस पर दो H लग रहे हैं, ठीक है ना. ये नाइट्रोजन कायरल नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन sp3 नहीं है और ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रखता है. ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ये कार्बन तो sp2 है, ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर दो आइडेंटिकल ग्रुप CL लगे हुए हैं, ठीक है ना. वैसे अगर ये नाइट्रोजन कायरल होता भी, कोई भी नाइट्रोजन यहाँ पर या कोई नॉन कार्बन एटम अगर इस कंपाउंड में होता और कायरल होता भी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, ना कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ठीक है ना. तो कुल मिला के हमारे पास कितने कायरल सेंटर्स हैं यहाँ पे, कायरल कार्बन्स हैं हमारे पास 2. तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को लिखना है 2, ठीक है ना. बस इसमें एक ही बात है कि क्लोरामफेनिकॉल की स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए. ये केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है ना. यहाँ से इसको पता लगाना पड़ेगा आपको. नोट करें.